कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्ति दाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, हम तुम्हारे लिए यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हमें पिता से मेल कराने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें एक दूसरे से मेल कराने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें प्रेम की शिक्षा देने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु भलाई से बचा। वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे, यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे, रख ले उसी में आशा रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए, रख ले उसी में आशा रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए, यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे, यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें मंद कीजिए, प्रार्थना में पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, कामकाज को थोड़ा अलग रखिए, इस कार्यक्रम में पूरी तरह से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। ईश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान का आत्मा, शक्ति का आत्मा, सत्य का आत्मा आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। उस पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए इस समय अपने जीवन में स्थान दीजिए, अपने विश्वास को जगाइए, हृदय को जगाइए, आत्मा को जगाइए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। लेट मेरेकल्स एंड वंडर्स हैपन राइट नाउ। चमत्कार और चिन्ह इस समय आपके जीवन में होने दीजिए। अपने हृदय में बोलिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए पवित्र आत्मा। मैं जानता हूं कि मेरी परिस्थितियां विकट हैं, मैं जानता हूं कि मेरी परिस्थितियों में कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है,
लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तू सब कुछ को बदलने में समर्थ है, सक्षम है। तूने पेत्रुस जैसे प्रभु के प्रेरितों को बदल डाला, पौलुस को बदल डाला। मैं विश्वास करता हूं कि सारी परिस्थितियों को तू बदलने में समर्थ है पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। मैं टूटा हूं पवित्र आत्मा, मैं निराश और उदास हूं पवित्र आत्मा। मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार की तंगी में आइए, गरीबी में आइए, मेरे जीवन की विफलताओं में आइए। पवित्र आत्मा को समय अपने जीवन में स्वागत कीजिए, स्वीकार कीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगा है, अपने हृदय को खोलिए, पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। हाथ खुला रखिए, आंखें बंद रखिए, पवित्र आत्मा के साथ इस समय प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा के साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए, हृदय खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाइए। आपकी आत्मा को समय स्तुति करने दीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, होने दीजिए इस समय, होने दीजिए। आपके बंधनों को टूटने दीजिए, आपके रोगों को मिटने दीजिए, आपके जीवन में प्रभु का उत्साह भरने दीजिए। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा, मेरे इन भाई बहनों के जीवन में आइए, उनके परिस्थितियों में आइए। आज के इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए आइए, बड़े बड़े रोगों से छुटकारा देने के लिए आइए। पवित्र आत्मा को इस समय स्वागत कीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, विश्वास कीजिए, इस समय भरोसा रखिए। द लॉर्ड इज वर्किंग इन योर लाइफ राइट नाउ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद हे प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद हे प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक अनुग्रह का स्रोत है, माध्यम है, मैं जानता हूँ। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा, जब भी इस प्रार्थना में भाग लेंगे, पूरी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ भाग लेना। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार प्रकट करेंगे। कई लोगों ने संदेश भेजा है कि उन्होंने प्रतिदिन इस प्रार्थना को अलग अलग दिन का लेकर प्रतिदिन देखा और उसमें भाग लिया और उनके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुए हैं। आपके जीवन में भी होगा, आज भी होगा, विश्वास करना इस समय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब भी मुझे याद है, कुछ वर्ष पहले दोपहर के करीब 3 बजे एक जवान लड़का मेरे पास आया रोते हुए। विश्वासी था और अच्छी मिठाई की दुकान चला रहा था। उसने आकर कहा कि स्वामी जी, मेरे पिताजी को बचाइए, कुछ गुंडों ने उनको पकड़ लिया है और बंद कमरे में रखा है और बंदूक दिखा दिखा कर बता रहा है कि पैसा दो, पैसा दो। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, आप उनके लिए कुछ कीजिए। और मैंने उस लड़के को देखा और उससे कहा कि दर्शन भवन जाना, प्रभु तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और मेरी ओर वो ताकने लगा। मैंने कहा ना, जाओ दर्शन भवन। और वो दर्शन भवन गया, प्रभु के सामने बैठकर रोने लगा। शाम को वापस गया, करीब 7 बजे शाम को उसने फ़ोन किया और कहा कि सारे लोगों ने मेरे पिताजी को, मेरे पापा को छोड़ दिया है और हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार में एक बहुत सुंदर वचन है जिसको मैं बार बार दोहराता हूँ और लोगों को बताता भी हूँ, और वो है यौहन का सुसमाचार अध्याय 14:1। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है, जी घबराना। इस दुनिया में कौन घबराता नहीं है, इस दुनिया में कौन घबराता नहीं है। इस दुनिया में हर मनुष्य अपने को असुरक्षित महसूस करता है, बहुत ज्यादा सुरक्षा का भाव है हमारे अंदर, हर कोई अपने को असुरक्षित महसूस करता है। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, किसका जी नहीं घबराता है। जब विपत्ति पर विपत्ति टूट पड़ती है, किसका जी नहीं घबराता है। जब दुख पर दुख आ जाता है, कौन नहीं घबराता है।
जब दुर्घटनाएं होती हैं, गंभीर रोग आ जाते हैं, तो कौन नहीं घबराता है। जब विफलताओं पर विफलता चली आती है तो हमारे जीवन में, तो कौन नहीं घबराता है। कठिन परिश्रम करके कुछ पाया, अचानक उसको गंवाने के बाद कौन नहीं घबराता है। अपने प्रिय भाई बहन या बच्चों की मृत्यु के समय कौन नहीं घबराता है। सभी घबरा जाते हैं। जरा कोरोना काल को याद कीजिए। कोरोना काल में बहुत सारे भाई बहन केवल घबराहट और भय से मर गए हैं। घबराहट और भय से मर गए हैं। आप प्रभु येसु के शिष्यों का उदाहरण लीजिए। प्रभु येसु स्वयं नाव में बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, और नाव झील के बीचों बीच थी। आंधी चलने लगी, लहरें ऊपर उठने लगी, नाव पानी से ढकने लगी, भरने लगी। सभी शिष्य घबरा गए। येसु के उनके साथ होने के बावजूद, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले येसु के उनके साथ होने के बावजूद, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाने वाले येसु के उनके साथ होने के बावजूद, लंगड़ों को चलाने वाले, मुर्दों को जिंदा करने वाले, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले, हर प्रकार के रोग से लोगों को छुटकारा देने वाले उस महान प्रभु के उनके साथ होने के बावजूद शिष्य घबरा गए और शिष्यों ने आकर कहा, प्रभु हमें बचाइए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 2 में प्रभु का वचन कहता है कि विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए। विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए। हमारा जी घबराने लगता है तो हम लोग भटक जाते हैं, हमारा विश्वास टूटने लगता है, हम अंधविश्वासी बनने लगते हैं। बाइबल में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। हम पढ़ेंगे राजाओं के 2 ग्रंथ के अध्याय 19 में राजा हेजकिया के बारे में। राजा हेजकिया ईश्वर पर भरोसा रखने वाला एक महान राजा थे, ईश्वर पर भरोसा रखते थे। असुर के राजा ने इसराइल पर आक्रमण करने को सोचा, यूदा पर आक्रमण करने को सोचा, और असुर के राजा ने धमकी भरा पत्र भेजा ये कहकर कि मुझसे संधि कर लो, वरना मैं तुम्हारे शहर पर आक्रमण करूंगा, तहस नहस कर दूंगा। आप पढ़ेंगे वाक्य 14 में, राजाओं के 2 ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 14 में राजा हेजकिया ने क्या किया, उस पत्र को पढ़ा। पढ़ने के बाद उस पत्र को ले जाकर खोल कर प्रभु की वेदी के सामने रखा और वो प्रार्थना करने लगा। घबराया नहीं, घबराया नहीं। असुर के राजा के धमकी भरे पत्र को पढ़ने के बाद राजा हेजकिया घबराया नहीं, बल्कि उस पत्र को ले जाकर प्रभु के मंदिर के वेदी के सामने खोल कर रख दिया। दानियल के मित्रों का उदाहरण लीजिए। दानियल के मित्रों को बताया गया कि वे राजा के द्वारा निर्मित उस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, उनको पूजा करनी चाहिए, ना कि ईश्वर की आराधना, लेकिन वे उसको ईश्वर को छोड़ने को तैयार नहीं थे। हिम्मत के साथ जलती हुई भट्टी में चले जाते हैं, घबराए नहीं, घबराए नहीं। दानियल को शेर के पिंजरे में, शेर के खड में डाला जाता है, इसीलिए कि वो अपने ईश्वर की आराधना करता था। दानियल घबराया नहीं, चला जाता है। अय्यूब का उदाहरण लीजिए। बाइबल में अय्यूब का उदाहरण सबसे सुंदर उदाहरण है। अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई, यहां तक कि उसके बच्चे मर गए, सारी संपत्ति गई, नौकर मर गए, नौकर ले जाए गए, जानवर ले जाए गए, विनाश पर विनाश आया। एक एक विपत्ति के बाद नौकर दौड़ कर आकर अय्यूब को ये बताया करते थे कि ऐसा हुआ, लेकिन अय्यूब घबराया नहीं, वह स्थिर बना रहा, वह स्थिर बना रहा। स्तोत्र 125 उसके वाक्य 1 में हम पढ़ेंगे। स्तोत्र 125 वाक्य 1 में, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, जो सदा अचल और अटल है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, जो अचल और अटल है।
अय्यूब अटल रहा, अचल रहा, स्थिर रहा, घबराया नहीं। एक बहुत जबरदस्त उदाहरण हमारे लिए। आज हम इस बात पर मनन करेंगे, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती हैं जो हमें घबराने के लिए मजबूर करती हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी ना घबराए बल्कि ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, हमें डराने वाली हो जाती हैं, तो उन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? मैं तीन चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, ईश्वर से लिपटे रहो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2:2, जब विपत्ति आ जाती हैं, वचन कहता है ईश्वर से लिपटे रहो। जब कोई बच्चा डराने वाली चीजों या लोगों को देखता है तो वो क्या करता है? अपनी माँ की ओर दौड़ता है, ये माँ से लिपट जाता है। कुत्ता भौंकता हुआ आता है, बच्चा दौड़ता है माँ की ओर और माँ से लिपट जाता है। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ईश्वर से लिपटे रहना। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22:44 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु के सामने उनकी मृत्यु नाच रही थी, उनका संकट उनके सामने दिखाई दे रहा था, उस समय प्रभु यीशु क्या किए? गेत्सेमनी बाग में गए और अपने पिता के साथ प्रार्थना में लीन हुए। वो पिता से लिपट रहे थे, वो पिता से लिपट रहे थे प्रार्थना में, भरोसा में, विश्वास में। प्रभु का वचन कहता है विपत्ति के समय ईश्वर से लिपटे रहो। जब आपके जीवन में विपत्ति आती है, परेशानी आती है, दुख आ जाते हैं, डरावनी परिस्थितियां आ जाती हैं, बहुत प्रार्थना बढ़ाइए, प्रभु के करीब जाइए। अभी मुझे याद है, 3 साल पहले एक नारी दौड़ती हुई आई मेरे पास, मेरे कमरे के सामने। अच्छी विश्वासी है, दूर से आई, करीब 10-12 किलोमीटर दूर से। उसने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। उसने कहा कि हमारी ज़मीन का बंटवारा चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कत्ल होगा, बहुत मारामारी हो रही है, आप प्रार्थना कीजिए। वो बिलख रही थी, रो रही थी, घबराई हुई थी। मैंने उसको दर्शन भवन भेज दिया। मैंने कहा दर्शन भवन जाइए, प्रार्थना में समय बिताइए, प्रभु के सामने इस परिस्थिति को रखिए। और वो चली गई। 1 सप्ताह के बाद रविवार के दिन सत्संग को जब लोग साक्ष्य सुनाने आते थे तो वो भी इस लाइन में खड़ी थी। वो बताने लगी कि मेरे परिवार में ऐसा हो रहा था, मैं प्रभु के पास आई और प्रभु ने सब कुछ को शांतिपूर्ण ढंग से कराया। ईश्वर से लिपटे रहना। दूसरी बात है समर्पित करना, अपनी परिस्थिति को समर्पित करना। आपकी परिस्थिति, जो कठिन परिस्थिति है जिसको देखकर आप घबरा जाते हैं, उस परिस्थिति को समर्पित कीजिए। देखिए स्तोत्रकार क्या कहते हैं, स्तोत्र 55 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 55 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और आप आक्रांत होने लगते हैं, डरने लगते हैं, विह्वल हो जाते हैं, वचन कहता है तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, प्रभु के हाथ में समर्पित कर दो। प्रभु से कहो कि प्रभु मैं संभाल नहीं सकता, मैं इस परिस्थिति को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु के हाथ में समर्पित कर दीजिए, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को कभी विचलित होने नहीं देगा। स्तोत्र का स्तोत्र 3 उसके वाक्य 6 में क्या लिखते हैं, बहुत सुंदर वचन है। वहां भी लिखते हैं, मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूं क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूं क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। तो दूसरा कार्य जो आपको करना है वो यह है, प्रभु के हाथ में इस परिस्थिति को समर्पित करना। वह कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण आप घबराए हुए हैं, उस परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, पूरी तरह से समर्पित करना, पूरे मन से समर्पित करना। और तीसरी बात है प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर भरोसा रखना। स्तोत्र 25 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते,
जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते, निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्रकार कहता है जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू द सेम टूडे, मैं वही बात आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होता है। तो जो तीसरा कार्य आपको करना है वो ईश्वर पर भरोसा रखना, प्रभु पर भरोसा रखना। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 37 उसके वाक्य 5 में, बहुत सुंदर वचन है, बार बार आपको सुनाया हूं। उस वचन में क्या लिखा हुआ है? अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो और उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपने जीवन को समर्पित कीजिए प्रभु के हाथ में और उस पर भरोसा रखिए और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। विपत्ति के समय, परेशानियों के समय, दुर्घटनाओं के समय, हमें डराने वाली परिस्थितियों के समय हमें ये करना है। अगला है, चौथी बात है, प्रभु के पवित्र वचनों को दोहराते जाइए। जब आपके हृदय में घबराहट उत्पन्न होने लगता है तो प्रभु के पवित्र वचनों को दोहराते जाइए। प्रभु का वचन लीजिए, स्तोत्र 27 ले लीजिए, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं? वह मेरे प्राणों की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हूँ? दोहराते जाना बार बार, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, मैं किससे डरूं? वह मेरे प्राणों की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हो जाऊं? बार बार दोहराते जाना। प्रभु के वचन के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त कीजिए, ऊर्जा प्राप्त कीजिए, साहस प्राप्त कीजिए। प्रभु ने स्वयं कहा है यौहन के सुसमाचार के अध्याय 6:63 में, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वही आत्मा और जीवन है। प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, ये निरेश शब्द नहीं है, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इसीलिए पवित्र वचन को बार बार दोहराते जाइए। या स्तोत्र 23 उठाइए, स्तोत्र 23 में पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दोहराते जाइए, बार बार दोहराते जाइए। स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ऐसे पवित्र वचनों को बार बार दोहराते जाइए। या स्तोत्र 91 लीजिए, उसको पढ़िए और एक पद जो आपको स्पर्श करता है उसको बार बार दोहराते जाइए। या स्तोत्र 121 उठाइए, उसको पढ़िए, उसमें का एक पद जो आपको साहस देता है उसको बार बार दोहराते जाइए। पवित्र वचनों को बार बार दोहराने से हमारे अंदर जिस तरह जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है, उसी तरह हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, हमारे अंदर साहस उत्पन्न हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमारे जी को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जी घबराने का मतलब है अंदर से उछाला जाना, अंदर से उखाड़ा जाना, अंदर से पूरी तरह से डिस्टर्ब किया जाना। हमें ऐसा नहीं होना है। हम प्रभु पर भरोसा रखने वाले हैं, प्रभु के वचनों पर विश्वास करने वाले हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। आंखें मंद कीजिए समय और मेरे पीछे दोहराते जाइए, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में भी विश्वास करो। बार बार अपने मन में बोलते जाइए, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। दोहराते जाइए, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। और एक बार दोहराइए अपने दिल में, तुम प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। आंखें मंद रखिए और इसको आपने हृदय आपने हृदय में इसी को प्रतिध्वनित होने दीजिए, इसी को सुनाई देने दीजिए। प्रभु का वचन आपके हृदय में इस समय कार्य कर रहा है, प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। आपकी परिस्थिति जो डरावनी है प्रभु के हाथ में दीजिए, समय खतरनाक परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में दीजिए, उन सारी बातों को जो आपको लगता है कि असंभव है प्रभु के हाथ में दीजिए। प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं।
दृढ़ विश्वास कीजिए प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। इस पवित्र वचन के द्वारा तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, असंभव सी बातों को संभव कर रहे हैं, आपके जीवन की बाधाओं को जिसे देखकर आप घबरा रहे हैं इस समय प्रभु हटा रहे हैं, आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं, आपके बंधनों को खोल रहे हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद मेसु आराधना, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु आराधना, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। तू ही है प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा, तू ही प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा, तू ही प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा, तू ही है प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा, ज्योति मेरी तू ही है प्रभु, शक्ति मेरी तू ही है प्रभु, ज्योति मेरी तू ही है प्रभु, शक्ति मेरी तू ही है प्रभु, ज्योति मेरी तू ही है प्रभु, शक्ति आनंद मेरा, तू ही है प्रभु मेरा।
पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु इस दिव्य प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम उपस्थिति महसूस करें। अपनी आंखें बंद रखें। यह पवित्र समय है, आशीष और प्रभु के अनुग्रहों का समय है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। उसी यीशु के इस दिव्य शरीर से समय शक्ति निकल रही है और हमें चंगा कर रही है। आप जहां कहीं भी इस समय प्रभु की उपस्थिति का एहसास करना, जहां यीशु की उपस्थिति वहां पर चंगाई और मुक्ति है। प्रभु यीशु जिन जिन घरों में गए उन सारे घरों में प्रभु ने वरदान पर वरदान दिया। प्रभु यीशु जकेउस के घर पे गया और प्रभु ने घोषित किया आज इस घर में मुक्ति आई है। प्रभु यीशु जायरुस के घर पे गए और मरी हुई उनकी बेटी को जिंदा कर दिया। प्रभु यीशु लाजरुस के घर पे गए और उनके कब्र के पास जाकर मरे हुए लाजरुस को जिंदा किया। यीशु जिस घर में प्रवेश करते उस घर में कृपाएं बहने लगती हैं। यीशु जिस परिवार में और जिस व्यक्ति में प्रवेश करते हैं वहां पर कृपाएं बरसने लगती हैं। अंधकार की शक्तियां मिटने लगती हैं, अंधकार मिटने लगता है। इस समय यीशु के लिए अपने हृदय और अपने परिवार के घर को दरबार को खोलिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु आपके जीवन की समस्याओं का समाधान है, सवालों का जवाब है। यीशु पर विश्वास करना, यीशु को अपनाना, उनको अंगीकार करना, उनको स्वीकार करना। यह स्वीकार करना कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। ये स्वीकार करना कि यीशु संसार के मुक्तिदाता है, मेरे मुक्तिदाता है। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होंगे। असंभव सी बातें संभव हो जाएंगी। ये पवित्र समय, समय अपने आप को नम्र बनाना, यीशु के सामने नम्र बनकर आना, अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पहली बार इस तरह की प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। मेरी बात को समय गौर से सुनना और उसको स्वीकार करना। यीशु आपको प्यार करते हैं, यीशु ने आपको बुलाया है, यीशु ने अपने करीब आपको बुलाया है, यीशु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यीशु 2000 वर्ष पहले संसार में आए, सारे मानव जाति के उद्धार के लिए एक बार प्रायश्चित का बलिदान चाहिए, उसके बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और वे आज जीवित हैं और चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाना। अपने हृदय में कहना कि यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, भरोसा रखता हूं। आई बिलीव जीसस, आई बिलीव इन यू जीसस, आई ट्रस्ट इन यू जीसस। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं यीशु। अपने जीवन को प्रभु के सामने खोलिए। अपने जीवन की एक एक समस्या को यीशु के सामने लाइए। अपने दर्द परेशानियों को यीशु के सामने लाइए। एकाद पल के लिए मौन होकर इस समय अपने जीवन की सारी व्यथाओं को, सारी पीड़ाओं को यीशु के सामने रखिए। आंखें मन करके यीशु से बोलते जाइए, हृदय खोल कर बोलते जाइए, विश्वास के साथ बोलते जाइए, भरोसे के साथ बोलते जाइए।
बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पुत्र पुत्री यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो, तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। पुत्र पुत्री यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो, तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया हालेलुया। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो, तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर की कृपा पात्रों की। हालेलुया ईश्वर पर निर्भर रहो, और वह तुम्हारी सहायता करेगा, ईश्वर पर निर्भर रहो, और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने जीवन के सारे दुखों और पीड़ाओं के समय प्रभु के हाथ में दीजिए। उसके लिए गुनगुनाना नहीं, रोना कुकड़ाना नहीं, किसी को दोषी ठहराना नहीं, पड़ोस के लोगों को, पटीदार को, रिश्तेदार को, भाई बहन माँ बाप सास ससुर को दोषी नहीं ठहराना, बल्कि उन दुखों को समय ग्रहण कीजिए, आंखें मंद कीजिए और इस समय प्रभु से दुखों को ग्रहण कीजिए। आपके जीवन में जो दुख है उसको स्वीकार कीजिए, ये विश्वास कीजिए कि आपका दुख मूल्यवान है, उसमें ताकत है, उसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करेंगे। इसलिए अपने जीवन के सारे दुखों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, खुश हो जाना। इस समय दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, उन सारे दुखों के कारण आप प्रभु के पास आए हैं। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए स्वतंत्र रूप से समय प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया धन्यवाद। आप में से जो रोगी हैं, शारीरिक रोगी या मानसिक रोगी, अपने रोगों को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के दौरान आप में से कई लोगों को चंगाई मिलती है, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी मिलती है, दुष्ट आत्मा के पंजे से छुटकारा मिलता है। पूर्ण विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद करके अपने विशेष करके रोग या आपके अंदर कोई बुरी आदत है, कोई बंधन है, यीशु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। एक पक्का विश्वास कि प्रभु इस समय मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। राइट नाउ द लॉर्ड इज डूइंग फॉर मी, अभी इसी वक्त प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, प्रभु इस समय मुझे स्पर्श कर रहे हैं, मेरे बंधनों को खोल रहे हैं, दुष्ट आत्मा के हर प्रकार के बंधन को समय तोड़ रहे हैं, मेरे हर रोग को प्रभु यीशु मिटा रहे हैं, प्रभु अपने पवित्र रक्त को मेरे शरीर में बहा रहे हैं। विश्वास कीजिए, समय पक्का विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए, और दृढ़ विश्वास के साथ ऊंची आवाज में उस रोग के लिए, उस बंधन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। मुंह खोल कर हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु तेरे पवित्र नाम पर तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से योग्यता से चंगाई यीशु बंधनों से आजादी दुष्ट आत्मा के चंगुल से छुटकारा रोगों से मुक्ति हीलिंग 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 हालेलुया 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 हम बड़े भरोसे के साथ इस समय रक्ताभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे वो सुंदर गीत गाएंगे अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पाप अधर्म से भारी है धरती पाप मिटाने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया शांति दिलाने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए जकड़ा है मानव पापों के जाल में बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक जोर से गाइए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ जाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 अभिषेक दीजिए यीशु, तेरे पवित्र रक्त के अभिषेक दीजिए, तेरे पवित्र रक्त के अभिषेक दीजिए, एक एक व्यक्ति पर, एक एक घर पर, एक एक जगह पर, सारे संसार पर, हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करेंगे। यीशु हमें अपने पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति से शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। आज हम लोग इस समय परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। हमारे